The opposition had earlier demanded a CBI inquiry into the cash for votes scam. Further cornering the government on the scam, Leader of Opposition in the Lok Sabha, Sushma Swaraj, took on the Prime Minister for saying that he was unaware of any scam and dared him to clarify, asking how could he not have benefited. The left also took on the government, alleging that the government is now trying to cover up the issue. अध्यक्ष जी, इस केबल को प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पेक्यूलेटिव, अनवेरीफाइड और अनवेरीफाइबल कहा है। ये उनका अपना बयान है जिसमें उन्होंने कहा, इट इज मोस्ट सरप्राइजिंग दैट स्पेक्यूलेटिव, अनवेरीफाइड एंड अनवेरीफाइबल कम्युनिकेशन शुड बी गिवन डिग्निटी। ये तीन शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं इस केबल के। प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आखिर आपने कहा इनको स्पेक्यूलेटिव, क्या शत्रुता थी उस व्यक्ति की, क्या दुश्मनी थी? और इसके अलावा मैं जो दूसरा प्रश्न उठा रही हूँ, किसी को नहीं मालूम था कि ये केबल्स कभी सार्वजनिक किए जाएंगे, कभी ये केबल्स पब्लिक डोमेन में आएंगे, क्योंकि ये सीक्रेट है, ये गोपनीय है। ये तो अचानक एक घटना घटी कि चोरी करके ये केबल्स निकाल लिए गए और पूरे दुनिया में इन्होंने खलबली मचा दी, लेकिन कभी भी ये केबल सार्वजनिक नहीं आने थे। इसलिए मैं अध्यक्ष कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी, इन केबल्स को स्पेकुलेटिव कहना, अनवेरीफाइड या अनवेरीफाइबल कहना, सत्य से आंखें मीचना है। आप सत्य को देखिए, सत्य को पहचानिए और इस तरह के तीन शब्द देकर इन केबल्स को खारिज मत कीजिए। कमेटी ने कहीं नहीं कहा, कमेटी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, कि सबूत नाकाफी थे। कमेटी ने कंक्लूजन्स में एक एक व्यक्ति के बारे में लिखा और कमेटी ने सिफारिशों में कहा कि इस पर आगे जांच होनी चाहिए। और उस समय के स्पीकर के कहने पर होम मिनिस्ट्री ने को जो उन्होंने दिया केस, उसके बाद एक केस दर्ज हुआ। क्या बात, ये सारी मामूलात आपको नहीं, कोई जानकारी आपको नहीं दी गई कि इसके आधार पर अभी भी केस चल रहा है। दिल्ली पुलिस का क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रहा है। और मैं आगे भी बता दूं, CFSL सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने टेप्स भी वेरीफाई करके मंगवा ली है कि टेप्स टेम्पर्ड नहीं है। ये इस केस का स्टेटस है, लेकिन कोई आपको नहीं बताता। हर चीज में आप ये कह देते हैं कि यहाँ गलत लिख करके कि कमेटी ने कंक्लूड कर दिया था। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बल्कि मेरा प्रिविलेज मोशन भी इसी पर है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा कमेटी में बिल्कुल अलग लिखा गया है। तो समिति की रिपोर्ट और आपकी बातचीत में अंतर है, इसी को लेकर के मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। लेकिन मेरी मांग है आपसे कि ये केस कछुए की चाल चल रहा है। 3 साल हो गए होने को आए, लेकिन इस केस में प्रगति नहीं है ज़्यादा। एक CFSL की रिपोर्ट आई है। इसलिए जैसा गुरदास दास गुप्ता जी ने कहा, मेरी मांग है आपसे, केवल ये केस CBI को मत दीजिए, बल्कि ये जो विकीलीक्स का खुलासा आया जिसमें जिन लोगों के नाम हैं, उन नामों को FIR में जुड़वाइए और उसके बाद आप CBI को ये केस सौंपने का काम। प्रधानमंत्री कहते हैं, आई विश टू मेक इट क्लियर that no one from the Congress party or the government indulged in any unlawful act during the trust vote during July 2008. ये प्रधानमंत्री की आदत है। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे लोगों ने कुछ नहीं किया, ना मेरी पार्टी ने कुछ किया, ना मेरी सरकार ने कुछ किया। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी पार्टी और आपके लोगों ने नहीं किया तो किसने किया? Deliberately the inquiry was not done. Deliberately inquiry was not done by referring it to an appropriate investigating agency. Why? Somebody had to be shielded. Some political managers had to remain in the background. Some political businessmen has to be ensured that they don't come in the light. His silence, cover up.